एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक सुमित पे, और मैं हूँ सुमित कुमार, आपका टेक्निकल दोस्त। और मैं एक बात बताना चाह रहा था कि कई दिनों से मैंने YouTube पे अपना वीडियो अपलोड नहीं किया है। उसका कारण मेरा बिजी शेड्यूल और मेरा जो ब्लॉग वाला नया चैनल है वो एक वजह है। तो मैं आपको बताना चाहता था कि मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, और वो बिल्कुल नया चैनल है। उसमें मैंने अभी मात्र 5-6 वीडियो ही डाला है। मैं उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ आप एक बार आके ज़रूर विजिट करें। वो भी वीडियो काफ़ी मेहनत से और काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और इस बार मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैसे आप घर बैठे काफ़ी आसानी से ऑनलाइन अपने बाइक और कार का इंश्योरेंस कर सकते हो, उसमें कितने पैसे लगेंगे और कौन कौन से स्टेप आपको लेने होंगे, वो काफ़ी आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में भी आप लास्ट तक बने रहें ताकि आप अपने बाइक का इंश्योरेंस काफ़ी आसानी से घर बैठे कर सकें। तो आपके पास पेफोन ज़रूर होगा, तो आपको पेफोन ऐप खोल लेना है। पेफोन ऐप जब आप ओपन कर लोगे तो इस जगह पे आपको एक सेक्शन मिलेगा इंश्योरेंस का, जो कि ट्रांजैक्शन के नीचे रहता है। तो वहाँ पे आप अपना बाइक इंश्योरेंस करना है तो बाइक सेलेक्ट कर लोगे। फिर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा आपका बाइक का नंबर, तो यहाँ बाइक का नंबर आपको टाइप कर देना है। जब आप बाइक का नंबर यहाँ पर टाइप कर लोगे तब यहाँ पर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका बाइक नंबर और बाइक का मॉडल और कौन से ईयर का मॉडल है वो भी आपको बता देगा। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि 90 डेज पहले आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हुआ है या नहीं, तो यस और नो में दीजिएगा, क्योंकि यस अगर कीजिएगा तो नया इंश्योरेंस होगा, और नो कीजिएगा तो आपका पहले वाला इंश्योरेंस रिन्यूअल होगा। तो यहाँ मैंने नया वाला सेलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद आपको अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्राइस दिखेगा, तो जो भी आपको सही लगे कम ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो IDV देता है वो होता है कि आपको उसके बदले में कितना वैल्यू दिया जा रहा है, तो आप उसे देख के आराम से सेलेक्ट कर ले कि मुझे कौन सा चाहिए। फिर आपको यहाँ पूछा जाएगा थर्ड पार्टी या फिर कंप्रहेंसिव आप करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी में क्या होता है कि आपके द्वारा अगर किसी को धक्का लग जाता है तो उसका जो भी जुर्माना होगा वो कंपनी देगा। और जो फर्स्ट पार्टी होता है कंप्रहेंसिव, उसमें क्या होता है कि आपका बाइक और आपका खुद का इंश्योरेंस होता है। तो फिर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप कितने साल का करना चाहते हो। 1 साल से लेकर 3 साल तक का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग आपसे वो पैसा लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 ईयर का इंश्योरेंस प्लान लिया है, तो कंटिन्यू करने के बाद आपको सारा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका व्हीकल नंबर, आपका व्हीकल मॉडल, कौन से डेट में आप कर रहे हो, कब तक ये वैलिड होगा, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको 300 रुपये और लगा के आपके खुद का 15 लाख का इंश्योरेंस, 15 लाख का इंश्योरेंस और हो जाएगा। तो वहाँ पे मैंने स्किप कर दिया, मैंने वो नहीं लिया है। और यहाँ पे फिर से आपको एक रिव्यू पेज आ जाता है जहाँ पे आप एक बार और देख पाओगे अपने प्लान को अच्छी तरह से कि आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो किस प्रकार के मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप उसको फिर से सबमिट करोगे तो बाय प्लान का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो जब आप यहाँ पे बाय प्लान करोगे तो पे का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जितने का प्लान लेते हैं उससे लगभग 200-250 रुपया ज़्यादा लग ही जाता है GST और हिडन चार्जेस वगैरह लगा के। तो मैंने 875 का प्लान लिया था जो कि हमें 1018 रुपये लगे हैं। तो जब आप इसे पे कर दीजिएगा तो पे होने के बाद वो आपको एक प्लान का रिव्यू भी दे देगा कि इस जगह पे आप अपने प्लान को देख भी सकते हैं व्यू डिटेल्स में। और एक मेल के थ्रू आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपके मेल आईडी पे आ जाएगा जो आप इसे प्रोवाइड किए हुए हैं। और पेफोन में आपको इंश्योरेंस वाले सेक्शन में आपका इंश्योरेंस ऑलवेज दिखता रहेगा, यानी कि आप कभी भी पेफोन खोल के आप अपना इंश्योरेंस डिटेल चेक कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम मेल की तरफ और देखते हैं मेल में जो कॉपी आया है वो किस प्रकार से आया है। तो देख सकते हैं मेल में इन्होंने PDF फाइल बना के हमें मेल कर दिया है। तो जब हम मेल खोलते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारा पेपर, सारा इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस टाइप के साथ यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर के साथ PDF बना के इन्होंने दे दिया है। तो इसी प्रकार से आप अपना भी बाइक और कार का इंश्योरेंस काफ़ी आसानी से कर सकते हैं घर बैठे।
तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी इंश्योरेंस एजेंट के पास जाएं या फिर आपको साइबर कैफे जाना पड़े। अगर आपके पास पेफोन है तो काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।